आपने एनएफटी का नाम जरूर सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग एनएफटी से बहुत ज़्यादा पैसे जनरेट कर रहे हैं। तो आज ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनएफटी क्या चीज़ होती है सिंपल वर्ड्स में, और आप एनएफटी से किस तरह पैसे कमा सकते हैं। अब ये जो एनएफटी है, ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है इंटरनेट में, और अगर आप अभी इस टेक्नोलॉजी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो आप बहुत सारा पैसा फ्यूचर में कमा सकते हैं। जिस तरह के बिटकॉइन वगैरह 2010-11 में आए थे, उसी तरह ये वेब 3.0 में आए हैं एनएफटीज। अगर आप अभी इस टेक्नोलॉजी में एंटर हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, मैं मानता हूँ ये अभी आपको थोड़ी सी अजीब टेक्नोलॉजी लगेगी, और जब आप एंटर होंगे और आपको काफ़ी चीज़ें समझ नहीं भी आएंगी, लेकिन एंटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब एनएफटी का आपने हर जगह ये तो सुना होगा, भाई नॉन फंजेबल टोकन्स होते हैं ये। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि एनएफटी से आप पैसे किस तरह कमा सकते हैं। अब एनएफटी आप किसी भी पिक्चर आप कैप्चर करके उसकी एनएफटी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ऐसी मीम बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा फनी मीम है और बहुत ज़्यादा मज़े की यार, वैसी मीम पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो आपने उसे एनएफटी के अंदर कन्वर्ट करना है। मतलब सिंपल उसकी पिक्चर को एनएफटी बना के अपलोड कर देने, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर, तो आपकी वो एनएफटी बन जाएगी। अब उसके बाद लोग उस पर बिड करेंगे, मतलब लोग कहेंगे कि इतने पैसे ले लो और हमें ये दे दो एनएफटी। और अगर वो प्राइस आपको सूटेबल लगी तो आप वो एनएफटी सेल करेंगे, और वो नेक्स्ट पर्सन के पास आपकी जो मीम है वो चली जाएगी, या ड्राइंग जो भी चीज़ होगी, और आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। अब ये बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी की तरह होगा कि अब आगे जो बंदा आपसे खरीदता है, वो जितनी दफ़ा वो एनएफटी बेचेगा, आपको अंदर से पैसे मिलते जाएंगे, और इस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। उसके अलावा मज़े की बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी पिक्चर ऐसे ही कैप्चर करके एनएफटी बना दी और उनकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिकी। अब यहाँ पे एनएफटी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि एनएफटी क्या होता है। जो फर्स्ट ट्वीट हुई थी ट्विटर पे, ट्विटर के सीईओ ने की थी, उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया और एनएफटी बना के बहुत ज़्यादा पैसों की बेच दी। तो सिंपल ये फिनोमेना है एनएफटी का। मतलब कोई भी पिक्चर आपने लेनी है और उसके एनएफटी बना देनी है। अब ये वाली जो आप पिक्चर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये अभी तक की मोस्ट एक्सपेंसिव एनएफसी रही है, एनएफटी रही है, जो कि ऑलमोस्ट 500,000 डॉलर्स की सेल हुई है, जो कि आपके देखने में तो सिंपल सी GIF है, लेकिन ये एनएफटी बन के सेल हुई। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको बताया कि आप एनएफटी वगैरह किस तरह से बना सकते हैं, लेकिन एनएफटी से पैसे किस तरह कमाए जाएं। अब यहाँ पे आपको एनएफटी बनाने से इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं आपकी एनएफटी सेल हो भी के ना, लेकिन अगर आप बनी बनाई एनएफटीज बहुत ज़्यादा जो होती हैं आपको चीप रेट पे मिल जाएंगी, $1 $2, वो अगर आप परचेज करके रखें और होल्ड करें, तो उनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। जिस तरह के बिटकॉइन वगैरह की खुद ब खुद बढ़ जाती हैं, तो उस तरह से एनएफटी की प्राइसेस आप $2-3 की खरीद के आगे फॉर सेल लगा सकते हैं, $100,000 की भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, और इवन इतने की सेल भी होती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रेजी टेक्नोलॉजी है और थोड़ी सी अजीब भी है देखने में। मतलब आपने पिक्चर खींची, अपलोड की, और उसके आपको इतने ज़्यादा पैसे मिल गए। लेकिन अगर आप वाकई इस टेक्नोलॉजी में एंटर होना चाहती हैं, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप शुरू में एनएफटीज अपनी बनाएं। इस चक्कर में आपको ब्लॉकचेन के साथ वो अटैच करनी पड़ती है इथेरियम के, तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हो जाएंगी। आपने सिंपल ये करना है कि एनएफटी जो आपको मिलती है $2 $3 की, वो आपने परचेज करके आगे सेल करनी है। चाहे अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बारे में मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा कि मीटावर्स से ये टेक्नोलॉजी किस तरह से रिलेट करती है। तो
और आप मीटावर्स में भी किस तरह से एंटर हो सकते हैं अभी से। तो NFT की उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप इससे पैसे कमा सकते हैं और टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क करती है। हाँ, थोड़ी सी अजीब बिल्कुल ज़रूर है ये टेक्नोलॉजी, लेकिन ये इसी तरह की है कि पिक्चर बनाई, उसकी NFT बना के फोर सेल लगा दी। तो दोस्तों बस आज ही हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ।